हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, कल शाम के जो वीडियो मैंने डाला था उसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया था, तो उसी को है अभी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ बहुत से लोगों ने ये भी बोला था कि सर उसका पीडीएफ भी, जो आपका आंसर बता दो उसका पीडीएफ भी दो। तो पीडीएफ का भी जो लिंक रहेगा वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां जाके पीडीएफ भी देख सकते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे मेरा उस पेपर को डिस्कस करने का मकसद यही है कि अगर आप उस जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं उसका आंसर बता रहा हूँ थोड़ा सा डिस्कस करके मैं बताता हूँ, उससे क्या होगा, आपको कोई भी जो क्वेश्चन है उसको आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने वो डिस्कस किया हुआ है, तो आपको उसके रिविजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपसे वो क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, तो आप उसको एक बार वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपका अगर कल पेपर है तो कल अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप वहां पे बना सके आसानी से। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे अब हम लोग दो पार्ट कवर करेंगे, एक पार्ट रहेगा छत्तीसगढ़ वाला और दूसरा पार्ट जो है वो पंचायत वाला है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार नियुक्त हुए, उनका कालक्रम लगाइए। ठीक है, तो ऑप्शन दिया भीकाजी गोपाल, महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर, केशव गोविंद। तो सबसे पहले कौन आए थे, महिपत राव दिनकर आए थे, फिर उसके बाद आए थे विठल राव दिनकर, उसके बाद आए थे केशव गोविंद, और उसके बाद आए थे भीकाजी गोपाल। ठीक है, तो ये सूबेदारी प्रथा कब चालू हुई थी, वेंकोजी भोसला खुद यहाँ पे शासन करने नहीं आए थे। ठीक है, तो जब उनकी मृत्यु हुई तो 1787 से जो है सूबेदारी प्रथा जो है छत्तीसगढ़ में चालू हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पर सूबेदार की नियुक्ति की थी। तो इसका आंसर है 23241, यानी पहले का आंसर है ए। अगला हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है, यानी इसमें से कौन से लेखक और उसकी रचना सुमिलित है, हमको ये बताना है। तो पहले लिखा है लखनलाल गुप्त मोगरा, तो ये गलत है, लखनलाल गुप्त की जो है मोगरा जो है शिव शंकर शुक्ल की बुक का नाम है। फिर है केयूर भूषण का लिखा है चंदा अमृत बरसाइस, वो लखनलाल गुप्त की बुक है। शिव शंकर शुक्ल का लिखा है फूटा करम, फूटा करम देखे बहुत सी बुक में फूटा करम जो है केयूर भूषण की बुक लिखा है, लेकिन वो केयूर भूषण की बुक नहीं है, वो है ठाकुर हृदय सिंह चौहान की बुक। ठीक है, तो फूटाकरम ठाकुर हृदय सिंह चौहान की, ये भी गलत है। और बी ऑप्शन लिखा है कृष्ण कुमार शर्मा छेरछेरा, जो बिल्कुल सही है। तो दूसरे का आंसर है बी, कृष्ण कुमार शर्मा छेरछेरा। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाट्य संगठन हबीब तनवीर द्वारा स्थापित है। ऑप्शन दिया है इप्टा, नव बिहार, नया थिएटर और लोक रंग। तो हबीब तनवीर द्वारा कौन से स्थापित किया गया था, नया थिएटर, यानी तीसरे का आंसर है सी, नया थिएटर। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष निम्न में से कौन सा सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन है गुरु घासीदास सम्मान, गुड़ाधुर सम्मान, लखनलाल गुप्त, रविशंकर शुक्ल। तो खेल के लिए किसका सम्मान दिया जाता है, गुड़ाधुर का सम्मान या गुंडाधुर जिसको बोलते हैं। चौथे का आंसर है बी, गुंडाधुर सम्मान। अगला देखते हैं, सुमिलित कीजिए, इसमें से हमको सुमिलित करना है कौन किससे मैच हो रहा है। तो चंदैनी गोंदा कौन, चंदैनी गोंदा के जो प्रमुख है वो थे रामचंद्र देशमुख। नाचा के थे दाऊ मंदरांजी, जिनको नाचा का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। पंडवानी थे के थे पंडवानी के गुरु झाड़ूराम देवांगन को कहा जाता है। और भरतरी के सूरज भाई खांडे, तो इसका आंसर है पांचवे का ए। अगला देखते हैं, कलचुरी काल से क्वेश्चन है, इसमें भी मैचिंग करना है। तो कलिंग राज कौन थे, छत्तीसगढ़ में जो कलचुरियों का पहला शासक कौन था, कलिंग राज थे। तो कलिंग राज है, कलचुरी राज्य की स्थापना की, पृथ्वीदेव प्रथम का क्या है सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी उन्होंने कौशल प्रदेश को जीतकर। ठीक है, तो कौशल का अधिपति उनको कहा जाता था, सकल कौशलाधिपति। फिर है जाजलदेव, जाजलदेव ने मैंने बताया था जाजलदेव प्रथम जो था बस्तर के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव और उनकी रानी और मंत्रियों को कैद कर लिया था, लेकिन जाजलदेव की जब माता ने आग्रह किया कि उनको छोड़ दिया जाए तो उन्होंने राजा और उनकी रानियों और मंत्रियों को छोड़ दिया था, इसलिए जाजलदेव प्रथम जो है महान शासक कहलाए थे। फिर है कल्याण सह, तो कल्याण सह जो थे जहांगीर के दरबार में उपस्थित थे, तो इनको लेने के लिए जो था गोपाल वीर गए थे, गोपाल वीर जिनके कारण ही गोपल्ला गीत फेमस है, तो इसलिए जो है इसका आंसर कल्याण से जहांगीर के दरबार में। तो छठवे का आंसर है सी। अगला देखते हैं, निम्न में से सही उत्तर दो। पहला है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था, गलत है। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो पांडुवंशी शासक की रानी जो थी, जो हर्षवर्धन की वहां पे पत्नी थी, हर्ष उनकी पत्नी का नाम वास्ता देवी था, जो कि बालार्जुन की माता थी।
तो ये गलत है। दूसरा है प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था, बिल्कुल सही है। फिर है भोरमदेव मंदिर फड़िंग नागवंशी से संबंधित है, सही है। भोरमदेव मंदिर गोपाल देव ने बनवाया था 1089 ईस्वी में, तो सही है। तो सात्विक आंसर है बी, 2 और 3। अगला देखते हैं हम, इसमें से बताना है औद्योगिक विकास केंद्र को सुमलित करना है। तो सिलतरा औद्योगिक केंद्र कहाँ, रायपुर में ही है। बोरई कहाँ, दुर्ग में ही है। सिरगिट्टी बिलासपुर में ही है। और कापन जांजगीर चांपा में। तो इसमें सब मैच है, तो आठवें का आंसर है ए। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी संस्था व मुख्यालय सुमलित नहीं है। पहला एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में। एनएमडीसी का मुख्यालय कहाँ है, बैलाडीला में, वो भी सही है। फिर है वैगन रिपेयर शॉप, भिलाई लिखा है तो वैगन रिपेयर शॉप कहाँ है, रायपुर में है। तो 9वें का जो सी है वो गलत है। अगला देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ के भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है। तो छत्तीसगढ़ में कौन से सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है, पहले आर्कियन और कड़प्पा, दूसरा धारवाड़ और दक्कन, तीसरा ऊपरी और निचली गोंडवाना, और चौथा ग्रेनाइट और लेटेराइट। तो सबसे ज्यादा जो है आर्कियन हमारे छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से हर जगह फैला है, और क्योंकि छत्तीसगढ़ का मैदान सबसे बड़ा क्षेत्र और मुख्य रूप से वहां चूना पत्थर मिलते हैं, यानी कड़प्पा क्रम के चट्टाने हैं वहां पे। तो 10वें का आंसर है ए, आर्कियन और कड़प्पा। अगला हम देखते हैं, सही उत्तर दें। पहला छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है, सही बात है, पूरे भारत का ही गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है। फिर उराव सबसे छोटा जनजाति समूह है, ये गलत है। ठीक है, सबसे छोटा जनजाति समूह बैगा है। फिर है कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति, सही है। तो 1 और 3 जो है बिल्कुल सही है, 11 का आंसर है बी, 1 और 3। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय है। तो सबसे ऊंचा जलाशय हसदो नदी कोरबा में मिनीमाता बांध, तो 12वें का, ठीक है, 12वें का आंसर है बी, मिनीमाता। अगला है यहाँ पर गोपल्ला गिर, जैसे मैंने पहले बताया गोपल्ला गिर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है, पांडु नल कलचुरी सोमवंश। तो कलचुरी वंश से ही जहांगीर को लेने गए थे गोपालवीर, जिनके बाद ही जो है गोपल्ला गिर फेमस है, क्योंकि गोपालवीर वहां से उसको कल्याण साहब को लेके आ गए थे। ठीक है, तो 13 का आंसर है सी। अगला है, निम्न में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है, हसदो ईब पैरी सबरी। तो हसदो नदी कोरिया के देवगढ़ पहाड़ी से निकलती है, ईब नदी जसपुर से आ रही है, पैरी नदी गरियाबंद से निकलती है, और सबरी नदी जो है उड़ीसा से आ रही है। तो 14 का आंसर है डी। अगला हम देखते हैं यहाँ पर, किस कंपनी ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का 51% शेयर प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन जो है पीएससी 2012 के क्वेश्चन है, एलएनटी, अंबुजा, स्टारलाइट, जिंदल। तो स्टारलाइट ने खरीदा था, 15 का आंसर है सी, स्टारलाइट। अगला है, वर्ष 2011 में 18 जिलों के हिसाब से निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था, कबीरधाम, बीजापुर, जसपुर, कांकेर। तो जसपुर में लगभग 8.4% के आसपास था, तो सबसे कम वहीं था, 16 का सी आंसर है। अगला देखते हैं, स्मार्ट कार्ड के इलाज की राशि सीमा कितनी है। तो अभी अभी जो है स्मार्ट कार्ड की राशि सीमा बढ़ाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले 30,000 था, अब उसको बढ़ा के जो है 50,000 कर दिया गया है। तो 17 का आंसर है बी। अगला देखते हैं, सर्वाधिक गोधना प्रिय जनजाति कौन सी, यानी गोधना सबसे ज्यादा किसको पसंद है। तो यह है बैगा, 18 का है बी आंसर, बैगा। लेकिन यहां पर एक बार पीएससी का क्वेश्चन पूछा था, गोदना का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है। तो उसको आप लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं, कंजर, बंजारा और देवार। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कंजर, बंजारा और देवार। तो ये जो तीन जनजाति है ये करती है गोदने का कार्य, और सर्वाधिक गोदना प्रिय यानी गोदवाना किसको पसंद है, वो बैगा। और गोदने का कार्य कंजर, बंजारा और देवार जनजाति करती है। ठीक है, अगला देखते हैं, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, सभी। तो लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान, विघटन तीनों के द्वारा समाप्त की जा सकती है। तो इसका आंसर है 19 का डी। अगला देखते हैं हम, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो संविधान सभा जो बनी थी प्रत्येक 10 लाख में एक प्रतिनिधि को चुना गया था। तो यहां पर 20वें का आंसर है सी, 10 लाख। अगला देखते हैं, निम्न में से क्या सही नहीं है।
राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित व संदेश भेज सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति राज्यसभा को संबोधित व संदेश भेज सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित व संदेश भेज सकता है, ये भी सही है। और आखिरी है, राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित व संदेश नहीं भेज सकता। जब वो दोनों सदन को ही भेज सकता है तो एक को क्यों नहीं भेजेगा? तो 21 का आंसर डी, जो कि गलत है। अगला देखते हैं, किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ना कर सकी तब क्या होगा? ऑप्शन है, नए चुनाव तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, वर्तमान उपराष्ट्रपति उसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद कार्य संभालेगा, राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर मान लीजिए यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता तो जो पुराना उपराष्ट्रपति वो जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाएगा तब तक अपना पद पे बना रहता है। तो इसका आंसर है 122 का है बी, बना रहेगा पद में। अगला देखते हैं, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या होगा? मंत्री पद च्युत हो जाएगा, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देगा, या लोकसभा की शक्ति से परे है। तो यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती, क्योंकि ऐसा माना जाता है लोकसभा से उनका जो बहुमत दल पार्टी उसका बहुमत गिर गया है, तो यहां पर पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। 23 का आंसर है बी। अगला देखते हैं, 26 जून 1975 को घोषित आंतरिक आपात के संदर्भ में निम्न घटना को क्रम से लगाओ। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसके बाद ही जो संविधान में परिवर्तन आया है, तो उस समय क्या कंडीशन थी? सबसे पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी, राष्ट्रपति ने घोषणा पर हस्ताक्षर किया, उसके बाद आंतरिक आपात की घोषणा हुई, और उसके बाद जो है मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली थी। यानी इसका आंसर है CDAB, यानी सी आंसर है 24 का सी। लेकिन अब कंडीशन कैसी हो गई है, अब पहले मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा, उसके बाद राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, ठीक है? तो ये जो उसमें हस्ताक्षर करेगा फिर घोषणा करेगा, तो अब चेंज हो चुका है। अगला देखते हैं, पाइका विद्रोह किस सन में हुआ जिसे हाल ही में देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता दिए जाने की घोषणा हो रही है। तो देखिए यहां पर यह ज्यादा ही करंट का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आपकी ये एग्जाम में नहीं है, लेकिन आपको आगे जो भी एग्जाम देंगे उसमें जरूर यह क्वेश्चन आएगा। तो 25 का आंसर है 1817 बी, 25 का बी। अगला देखते हैं, देश की पहली ट्रांसजेंडर जज हाल ही में कौन बनी है? तो सबसे अभी जो हाल ही में बनी पहली ट्रांसजेंडर जज, जिनका नाम है ज्योता मंडल, यानी 26 का आंसर है बी। अगला देखते हैं, द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक किसकी है? द कोएलिशन ईयर्स जो पुस्तक है वो है प्रणब मुखर्जी की, ये भी हाल ही में ही लॉन्च की गई है। 27 का है ए आंसर। अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शमशेर खान जो भारत के प्रथम ओलंपिक तैराक थे उन्होंने किस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? यानी वो कौन से ओलंपिक खेलने गए थे तैराकी के लिए? तो उसके आंसर है मेलबर्न 1956, यानी डी आंसर है 28 का डी, मेलबर्न 1956। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में कौन सी विधानसभा देश की पहली ऑनलाइन प्रस्ताव लाने वाली विधानसभा बनी है? तो कौन सी विधानसभा? अब जो है राजस्थान विधानसभा जो है उसमें विधेयक ऑनलाइन लाया जा सकता है, पहली देश की विधानसभा है, यानी 29 का आंसर है डी, राजस्थान। अगला देखते हैं, कांडला पोर्ट गुजरात का नाम बदलकर क्या किया गया? तो कांडला पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है, 30 का आंसर है ए। अगला देखते हैं पार्ट टू, अब पंचायत के क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से होती है? पहला ऑप्शन है पंचायत चुनाव परिणाम घोषित तिथि से, पंचायत चुनाव परिणाम की अधिसूचना तिथि से, पंच व सरपंच की प्रथम पंच व सरपंच के शपथ ग्रहण तिथि से, या ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन तिथि से। तो जो ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना होती वो किससे होती? जब ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता है, जो सचिव बुलाते, तब से लेकर जो है 5 साल तक पंचायत कार्य करती, यानी 31 का आंसर है डी। अगला देखते हैं, ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/10, जिसमें 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, यानी 32 का आंसर है सी। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा अधिकारी पंचायती राज से प्रत्यक्ष संबद्ध है? उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, या संभाग आयुक्त? देखिए उपखंड अधिकारी हो या तहसीलदार हो या संभाग आयुक्त हो, ये अप्रत्यक्ष रूप से
जुड़े हुए, इनकी जरूरत बहुत कम समय पड़ती, या तो उनका किसी के खिलाफ निलंबन हो जाता है या प्रकाशन करने, ये सब चीज में जरूरत पड़ती है। लेकिन जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है वो जनपद या जिला का, वो जो हमेशा पंचायत की मीटिंग में बैठता है और उसकी सभी चीजों को नोट करता है। तो ये जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ कौन है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, यानी 33 के आंसर है सी। अगला देखते हैं, पंचायत समिति के सदस्य, ऑप्शन है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत या दलीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत। तो जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो कौन कौन बनते हैं, जो निर्वाचित लोग रहते हैं वही बनते हैं। लेकिन क्या होता है, कौन सी समिति में कौन व्यक्ति जाएगा इसका चुनाव कौन करता है, ग्राम पंचायत के जितने सदस्य यानी पंच रहते हैं वो अपने बीच से उसको चुनते हैं किसको कौन सी समिति में भेजा जाए। तो उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है क्योंकि हम वोट नहीं दे रहे उनके लिए कौन सी समिति में कौन जाएगा, वो ग्राम पंचायत के सदस्य अपने में वोट दे रहे हैं, इसलिए इसका आंसर है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। 34 का आंसर है बी। अगला देखते हैं, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा। तो यदि कोई व्यक्ति जिस जनपद पंचायत का सदस्य है और मतलब जिस जनपद पंचायत में उसका नाम आ रहा है उसके अलावा वो वहीं से चुना गया और उसको छोड़कर कहीं दूसरी जनपद में चले गया, तो चुनाव लड़ने के लिए पहली एक बात होती क्या होती कि वो जनपद जिस जनपद पंचायत से लड़ रहा है वहां उसका नाम होना चाहिए। तो वो वहीं से बाहर चले गया कहीं और दूसरी जगह रहने तो उसका नाम वहां से हट जाएगा, तो वो नहीं रह सकता। तो क्या होगा, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरी जनपद जाता है तो वह सदस्य नहीं रहेगा। तो 35 का आंसर है ए, उसको वहीं रहना है ये अनिवार्य है, ठीक है, इसमें कंडीशन है ये। अगला है, निम्न में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ग्राम सभा, जनपद, जिला या ग्राम पंचायत। तो सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम सभा। 36 का आंसर है ए। अगला देखते हैं, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए थे। तो सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू हुई थी, मध्य प्रदेश, एकीकृत छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है सी, 37 का सी। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ में पंचायती व्यवस्था 2003 को लागू हुई, फिर है केवल ग्राम पंचायत के लिए चुनाव कराए जाते, गलत है, जनपद जिला सबके लिए होता है, जनपद और जिला पंचायत के सदस्य नामजद होते हैं नहीं उनका चुनाव होता है, फिर है पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण है, जो बिल्कुल सही है। तो 38 का आंसर है डी। अगला देखते हैं, निम्न में छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में क्या असत्य है। तो राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सही है, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% है। अगला है, पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता है, और उसके बाद है पंचायतों के समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं, सही है, समयबद्ध निर्वाचन होता है, लेकिन ग्राम पंचायतों को अपने कार्यों के लिए पूर्ण स्वायत्तता नहीं होती है, वो या तो जनपद, जिला और राज्य सरकार के अंडर में काम करती है। तो इसका आंसर है 39 का सी, और उसको अपना जो है लेखा परीक्षण भी कराना पड़ता है, उसको देना भी पड़ता है अपना जो पूरा उसका ब्यौरा ग्राम सभा में। अगला है, ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा में गणपूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा। यदि ग्राम सभा में गणपूर्ति नहीं होती है तो जो सभापति रहता है बैठक को स्थगित कर देता है, फिर दूसरी बार गणपूर्ति नहीं होती, डेट और समय जो बताता है जो अगर दूसरी बार गणपूर्ति नहीं होती है तो वो उसमें फिर वो कुछ नया विषय नहीं लाया जाएगा लेकिन बैठक चालू होती है। तो इसमें सिर्फ पूछा है ग्राम सभा की गणपूर्ति नहीं तो क्या होगा, ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी, यानी 40 का आंसर है ए। अगला हम देखते हैं, एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन पंचायती राज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, धारा 41, ठीक है, एक से अधिक पद नहीं धारण कर सकते, 41 का सी। अगला देखते हैं हम, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति या किस धारा के अंतर्गत आता है। तो ग्राम पंचायत की स्थायी समिति धारा 46 के अंतर्गत आता है, यानी 42 का आंसर है सी। अगला देखते हैं, ग्राम न्यायालय का गठन राज्य सरकार द्वारा पंचायत के किस स्तर में होता है। तो ग्राम न्यायालय का गठन जैसे मैंने बताया था वो जनपद पंचायत में होता है, यदि जनपद पंचायत नहीं है तो 15 से 20 गांव को मिलाकर वहां ग्राम न्यायालय बनाया जाता है, लेकिन जनपद पंचायत अपने यहाँ है तो यहाँ पर जो ग्राम न्यायालय का गठन है वो जनपद पंचायत स्तर में होगा। तो इसका आंसर है 43 का बी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय निर्धारित किए गए। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। तो इसका आंसर है 44 का सी। अगला देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबन
या पंचायती राज व्यवस्था के किस अध्याय के अंतर्गत यानी चैप्टर के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए एक अलग चैप्टर जोड़ा गया था अध्याय नंबर 14A या 14 क यानी 45 का आंसर है डी। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। पहला है ग्राम सभा का सभापति, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत का सदस्य। देखिए ग्राम सभा पंचायत, ये ग्राम सभा का सभापति कौन होता है, सरपंच होता है। तो सरपंच जो होता है वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है उसका जो ग्राम पंचायत के लिए, तो सरपंच जो है डायरेक्ट इलेक्शन वाला है। दूसरा सरपंच लिखा है वो खुद वही चीज है, वो डायरेक्ट इलेक्शन वाला है। जनपद पंचायत का सदस्य वो भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन उप सरपंच होता है वो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होता, उसको सभी पंच अपने बीच में से एक उप सरपंच बनाते हैं, वो इनडायरेक्ट होता है। तो 46 का आंसर है सी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा चुनाव चिन्ह ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए आवंटित नहीं है। ऑप्शन है चश्मा, टेबल लैंप, लट्टू या कुल्हाड़ी। तो जो कुल्हाड़ी का चिन्ह है वो ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए नहीं है, यानी 47 का आंसर है डी। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये विवादित क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ और आंसर यही लिया गया जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो है इसका आंसर जो देखिए, एकीकृत जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक साथ था तो पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसमें 1994 में लागू की गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया 1998, 1995, 1993 और 2000। तो इसके लिए क्योंकि हमारा जब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम उसके बाजू में क्या लिखा होता है 1993, तो यहाँ पर 1993 को आंसर लिया गया था, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन जो पूछा है वो प्रभावी हुआ पूछा तो 1994 में लागू हुआ था, लेकिन क्योंकि अधिनियम के बाजू में 73 को यह अधिनियम यहाँ लाया गया था इसलिए जो है 93 को लाया गया था, इसलिए 93 को आंसर लिया हुआ है। तो 48 का आंसर सी मान है। अगला है, मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और ग्राम पंचायत के कुल 18 सदस्य हैं, तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 12 है तथा 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं, तो क्या होगा। देखिए ग्राम सभा के कुल सदस्य हैं 18 सदस्य, तो 18 सदस्य का अगर हम 2/3 देखें तो 2/3 कितना होता है, 12 होता है। और यहाँ पे बोला है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य की संख्या 12 है जिसमें से 11 लोगों ने उसके पक्ष में वोट दिया है, लेकिन लेकिन हमको पक्ष में कितने वोट चाहिए, 12 से ज्यादा चाहिए, यानी 3/4 जो है वो 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। तो 3/4 यहाँ पर जो 11 लोग पक्ष में दे रहे हैं वो कम पड़ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। पारित होने के लिए हमको टोटल 13 वोट चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर जो है 13 वोट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, 11 ही वोट हो रहे हैं पक्ष में, इसलिए ये पारित नहीं होगा, यानी 49 का आंसर है बी। अगला देखते हैं, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का सदस्य कौन होगा। तो ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के सदस्य सरपंच ही बनते हैं, तो 50 का आंसर है सी। अगला हम देखते हैं, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देता है। पहला जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कलेक्टर, संचालक पंचायत या नन। तो 51 का आंसर जो है वो डी है, जनपद जो ग्राम पंचायत का सरपंच रहता है वो किसको देता है, जिला उपसंचालक को देता है, ना कि संचालक पंचायत को। संचालक पंचायत तीनों स्तर का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, उसके ऊपर होता है, लेकिन जिला उपसंचालक जो होता है वो उसको ही अपना त्याग पत्र जो देता है वो सरपंच देता है। तो यहाँ पर आंसर है 51 का डी। अगला देखते हैं, ग्राम सभा के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन है इसकी अध्यक्षता सरपंच करता है, सही है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है, ये भी सही है। इससे सामाजिक संरक्षण की शक्ति, ये भी सही है। लेकिन इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, नहीं, ग्राम सभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता, वो निरंतर चलने वाली संस्था है, स्थायी संस्था है, तो इसका ये पॉइंट जो है वो गलत है। तो 52 का आंसर सी जो गलत है। अगला, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई थी। तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी, 53 का आंसर है ए। अगला देखते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं जब राज्य सरकार की इच्छा हो, प्रत्येक चौथे साल, पांचवें साल या केंद्र सरकार के आदेश में। तो हर पांचवें साल होते हैं, तो 54 का आंसर है सी। अगला देखते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक अधिकरण, परामर्शी संस्था या पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। तो जब भी मैं धारा वाला पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने वहां पे लिखाया भी था, जितनी भी स्थायी जो स्थायी समिति होती है वो प्रशासनिक अधिकरण होती है, तो ब्लॉक स्तर यानी जनपद पंचायत की पंचायत समिति क्या होगी, वो भी प्रशासनिक अधिकरण होगी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। तो 55 का आंसर है बी। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत मृतक की आयु कितनी होनी चाहिए। तो मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 18 से 59 वर्ष तक इसको माना जाता है।
तो इसका आंसर है बी 18 से ज्यादा और 60 से कम, तो 60 से कम जो है वो 59 ही है, तो इसका आंसर है 56 का बी। अगला जो है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत लाभार्थी का चयन कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी जो जिसको लाभ लेना वो अपना आवेदन कहाँ करता है, ग्राम पंचायत कोई भी स्थानीय निकाय में कर सकता है जाके, लेकिन उसका चुनाव कैसे होता है, जो कलेक्टर रहता है वो लॉटरी निकाल के करता है, जिसका नाम आता है वो जाता है, तो इसका आंसर है 57 का डी कलेक्टर। अगला देखते हैं मनरेगा योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता कितनी होती है, तो मनरेगा योजना के अंतर्गत 5 साल वैधता होती है जॉब कार्ड की, यानी 58 का आंसर है यहाँ पे डी। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो कुल कितनी धाराएं हैं पंचायती राज अधिनियम 132 यानी 59 का सी। अगला है जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन कौन बुलाता है, तो जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुलाता है जिला पंचायत के, यानी सीईओ, यानी 60 का आंसर है ए। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपसे अधिक से अधिक क्वेश्चन बने होंगे, आप बताइएगा कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो अब फिलहाल अभी के वीडियो में इतना ही है। ठीक है, तो जय भारत, जय छत्तीसगढ़।